जब वक्त अपनी चाल बदलता है तो फरिश्तों को भी कंगाल कर देता है। नटखट, चंचल और चुलबुली दिखने वाली इस लड़की को आप जरूर जानते होंगे। कुछ इस एक्ट्रेस को गोविंदा की भांजी के तौर पर जानते हैं तो कुछ सुहाना के नाम से, और कुछ को इनका असली नाम रागिनी खन्ना भी पता होगा। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली रागिनी अचानक गुम हो गई है। लंबे समय से वो शोबिज की दुनिया से दूर है। गोविंदा की भांजी होने के बावजूद भी रागिनी ने इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाई। रागिनी न सिर्फ बेहतरीन एक्टर रहीं बल्कि उन्होंने बतौर राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और एंकर बनकर भी इंडस्ट्री में काम किया। छोटी सी उम्र में रागिनी ने सब कुछ कर लिया। रागिनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में टीवी सीरियल राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी से की थी। इसके बाद वो भास्कर भारती में नजर आईं, लेकिन रागिनी को असली पहचान मिली स्टार प्लस के शो ससुराल गेंदा फूल से। इस सीरियल ने रागिनी को घर घर में मशहूर कर दिया। रागिनी ने टीवी का टॉप शो झलक दिखलाजा भी होस्ट किया। वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के भी कई एपिसोड्स में नजर आईं, लेकिन वक्त के साथ रागिनी ने टीवी की दुनिया से दूरी बनाई और फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने गुड़गांव, पोशंपा और धूमकेतु जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इससे उनके फिल्मी करियर को कोई ग्रोथ नहीं मिली। रागिनी 2020 से पर्दे से गायब हैं। सोशल मीडिया पर भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। रागिनी के पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि वो 2 साल पहले ससुराल गेंदा फूल 2 में बतौर गेस्ट दिखी थी, लेकिन तब से वो टीवी पर भी नज़र नहीं आई हैं। रागिनी महज 35 साल की हैं। दूसरी तरफ रागिनी के रिश्ते के भाई कृष्णा अभिषेक जमकर काम कर रहे हैं। फिलहाल तो लोग रागिनी को पर्दे पर देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि लोगों का ये इंतज़ार कब पूरा होगा। वेल, रागिनी के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।